हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर इन मैथ एंड दैट इज वर्ड प्रॉब्लम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन। एंड उमा बॉट द 5 किलोग्राम ऑफ तूर दाल फॉर रुपीज 345 एंड 20 किलोग्राम ऑफ राइस फॉर रुपीज 789। हाउ मच मनी डिड आंट उमा स्पेंड। ओके, अब हमें एडिशन करनी है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज गिवन, इंफॉर्मेशन क्या दी है, द कॉस्ट ऑफ तूर दाल एंड राइस इज गिवन दिया है। ओके, व्हाट इज आस्क, हमें क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है। व्हाट इज मेथड शुड बी यूज, कौन सी मेथड शुड यूज होगी, एडिशन वाली। ओके, अब मेथड, कॉस्ट ऑफ दाल 345 रुपीज और कॉस्ट ऑफ राइस 789 रुपीज। ओके, अब इसकी करने हैं एडिशन, 345 प्लस 789। ओके, हमें क्या पूछा है, व्हाट मेथड, क्या पूछा है हमें, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछा है, इसलिए कौन सी मेथड आएगी, टोटल पूछा है इसलिए एडिशन मेथड। ओके, 345 प्लस 709 इज इक्वल्स टू 1134। ओके, आंट उमा स्पेंड रुपीज 1134 इन ऑल। ओके, ये इसका लास्ट आंसर, आंट उमा स्पेंड रुपीज 1134 इन ऑल। ओके, समझ में आया सबको, ये टोटल पूछा है किसी का, तो हमें क्या यूज करना है, एडिशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 3,750 13,715 एंड द कॉस्ट ऑफ अ कबर्ड इज रुपीज 8,999। हाउ मच मस्ट वी पे द शॉपकीपर टू बाय देम बोथ। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो क्या पूछा है, क्या दिया है, रेफ्रिजरेटर की कीमत दी है और ये कबर्ड की दी है। ओके, तो हमें टोटल अमाउंट कितने पेड किए शॉपकीपर ने वो देखना है। ओके, 3,750 क्या है, कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर है। ओके, 8,999 क्या है, कॉस्ट ऑफ कबर्ड है। ओके, इसकी फिर एडिशन करनी है हमें, ऐसे 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 14, 4 डाउन और 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 70, फिर 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 2 डाउन और 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 2, तो कितने हुए, 20,749 रुपीज अमाउंट टू द पेड टू द शॉपकीपर। ओके, फिर ये लास्ट वाला लिखना है, द शॉपकीपर मस्ट बी पेड, कितने करने हैं पेड, रुपीज 22,749 रुपीज। ओके, कितने करने हैं, 22,749 रुपीज। ओके, समझ में आया, ये आपको दिया था एग्जाम्पल, अब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, नाउ फर्स्ट, बाबूराव प्लांटेड 143 स्वीट लाइम ट्रीज एंड 156 चिकू ट्रीज इन दिस ऑर्चर्ड, हाउ मेनी ट्रीज डिड ही प्लांट इन ऑल। ओके, बाबूराव ने क्या किया, 143 क्या किए, स्वीट लाइम ट्रीज लगाए और
156 क्या लगा है? चीकू ट्रीज. ओके, हमें क्या करनी है, इसकी टोटल करनी है और बताना है कि उसने कितने प्लांट्स लगाए हैं, कितने ट्रीज लगाए. ओके, कितने ट्रीज के प्लांट लगाए. ओके, अब हमें करनी है इसकी एडिशन. 3 + 6 = 9, 4 + 5 = 9, 1 + 1 = 2. तो कितने हुए? 299 ट्रीज लगाए. ओके, 299. ओके, टोटल ट्रीज. लास्ट में क्या लिखना है? 299 ट्रीज डिड ही प्लांट इन ऑल. ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या पूछा था बाबूराव ने? 143 स्वीट लाइम प्लांट ट्रीज लगाए. ओके, और चीकू के कितने थे? 156. तो उसको कितने प्लांट लगाने थे? ओके, समझ में आया आपको? तो 299 ट्रीज डिड ही प्लांट इन ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट. प्रियंका बॉट बुक वर्थ रुपीज 245 एंड नोटबुक वर्थ रुपीज 178. How much did she plant all together? Okay. Now next example. Books कितने हैं? 245. और notebook कितने हैं? 178 notebook. इसकी करनी है एडिशन. ओके, 7 + 5 = 13, 13 3 डाउन 1 कैरी, 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12, 1 कैरी, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4. ओके, शी स्पेंट. ओके, फिर क्या लिखना है? ऑल टुगेदर शी स्पेंट. समझ में आपको? ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था. Now third example. There are 1,230 story books and 150 poetry books in a library. How many books are there in the library altogether? Okay? ये हम हमें solve करने. Story books कितने हैं? 1,230 स्टोरी बुक. एंड 150 पोएट्री बुक्स. अब इसकी क्या करनी है? एडिशन. ओके, नाउ 0 + 0 = 0, 3 + 5 = 8, 2 + 1 = 3, 1 = 1. ओके, बुक्स आर इन द लाइब्रेरी. ओके, फिर लास्ट में क्या आएगा? ऑल थॉट All together, all together,
1380 books are in their in the library. समझ में आई ये? क्या किया? स्टोरी बुक्स इतने थे, पोएट्री बुक्स इतने थे, हमें ऑल टोटल निकालने थे. ओके, बुक्स इन द लाइब्रेरी निकालना था, तो ये हमने किया. ओके, समझ में आए ये आपको तीन क्वेश्चंस क्या है? तो नाउ नेक्स्ट, इफ 1310 चिल्ड्रंस, 1505 वुमन्स एंड 790 मेन कम टू द वॉच द सर्कस, हाउ मेनी पीपल कम टू द वॉच टू द सर्कल ऑल टूगेदर. चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. चिल्ड्रंस कितने हैं? 1310. ओके, चिल्ड्रंस है. फाइव हंड्रेड एंड फाइव क्या है? वुमन है. एंड 790 क्या है? मेन है. ओके, अब हमें इसकी टोटल निकालनी है. ओके, जीरो प्लस फाइव प्लस जीरो फाइव, वन प्लस जीरो वन, प्लस नाइन टेन, जीरो वन कैरी, वन प्लस फोर, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, वन कैरी, वन प्लस वन प्लस वन थ्री. ओके, क्या आया? 3605 पीपल कम टू वॉच टू द सर्कल्स. पीपल, ओके, क्या लिखना है? ऑल टूगेदर थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव पीपल कम टू वॉच द सर्कल सर्कस. ओके, समझ में आया ये? फोर क्या दिया था? चिल्ड्रंस में वुमन मेन दिए थे और हमें टोटल निकालने थे कि उस सर्कस में कितने लोग सर्कस वॉच कर रहे हैं. ओके, वो हमें टोटल नंबर के लोग निकालने थे. ओके, समझ में आया आपको ये एडिशन? नाउ नेक्स्ट, अजय डिपोजिटेड रुपीज 18,000 इन द बैंक एंड 15,000 इन अदर. What is the total amount of money be deposited in the bank? Okay? क्या पूछा है? अजय deposited rupees 18,000 in the bank and 15,000 in the another. What is the total amount of money to be deposited in the bank? Okay? चलो हम अभी इसे सॉल्व कर. फिफ्थ नंबर, अजय ने कितने डिपॉजिट किए हैं? 8,000. ओके, वन बैंक एंड 15,000 अनदर बैंक. तो उसने टोटल कितने अमाउंट डिपॉजिट किए हैं? ओके,
जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, एट फाइव, एट प्लस फाइव थर्टीन, कैरी वन, वन प्लस वन थ्री। ओके, ये क्या है, टोटल डिपॉजिट है। मनी क्या पूछा था अजय ने, 18,000 एक बैंक में डिपॉजिट किए और 15,000 दूसरे बैंक में। ओके, तो क्या कहा था कि टोटल डिपॉजिटेड मनी कितने हैं। ओके, तो लास्ट में क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक इज 30,000। ओके, कितने डिपॉजिट किए, 30,000। ओके, समझ में आया आपको। ये लास्ट वाला क्या निकालना थे, टोटल डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी बी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इज 33,000। ओके, समझ में आया ये आपको। आज आपने हमने क्या देखा, एडिशन, और ये एक्सरसाइज के 5 एग्जाम्पल भी आज हमने देख लिए। ओके, सबको समझ में आया ये, सबको ये सॉल्व करने हैं। ओके, और समझ लेना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।